मुझे विश्वास है कि 25 के चुनाव में तेजस्वी यादव को नौजवान मुख्यमंत्री बनावेगा और लोकसभा के चुनाव 40 के 40 सीट महागठबंधन। जन विश्वास महारैली की शुरुआत हो गई है और राष्ट्रीय जनता दल के कद्दावर नेता अवध बिहारी चौधरी, जो कि बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ रोड मार्च करना शुरू कर चुके हैं। देखिए तस्वीरें जहां अवध बिहारी चौधरी अपने कार्यकर्ताओं के साथ अब गांधी मैदान के लिए निकल पड़े हैं। साफ तौर पर तस्वीरें बता रही है कि आज जो विश्वास तेजस्वी यादव ने जनता के बीच जाकर जीता, उस विश्वास के तहत अब एक कड़ी दर कड़ी कह सकते हैं आपकी मानव श्रृंखला के तर्ज पर लोग लाइन में ऐसे जा रहे हैं राजधानी पटना में कि मानो जन सैलाब है। लंबे वक्त के बाद एक बड़ी जो महारैली है वो राजधानी पटना में देखी जा सकती है और किसी राजनीतिक दल द्वारा इतने बड़े पैमाने पर जो तैयारी की गई उसके बाद अब आप कह सकते हैं कि जब देश के अंदर चुनाव होंगे तो माहौल भी बदलेगा और बदलते माहौल के बीच अब राष्ट्रीय जनता दल ने कमर जो है वो कस ली है। अवध बिहारी चौधरी से भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, एक बड़ा विश्वास दिख रहा है, जन विश्वास रैली है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी के आह्वान पर आज तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरे बिहार से जन सैलाब उतरा है, जिसमें सीवान के जनता, सभी वर्ग के भाई बड़े संख्या में पटना में आए हैं। मुझे विश्वास है कि 25 के चुनाव में तेजस्वी यादव को नौजवान मुख्यमंत्री बनावेगा और लोकसभा के चुनाव 40 के 40 सीट महागठबंधन जीतेगा। एक बड़ा सवाल सर, लालू यादव के पुराने साथी आप हैं, क्या ये पुराना राष्ट्रीय जनता दल दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, नौजवानों का सैलाब उतरा हुआ। तेजस्वी यादव के साथ लोग जुट रहे हैं, पूरे तेजस्वी के साथ लोग जुट रहे हैं। देखिए निश्चित तौर पर जो पूरे कार्यकर्ता हैं वो अब हर्षोल्लास के साथ तेजस्वी यादव के लिए पटना पहुंचे हैं और सिवान की जनता के साथ राजधानी पटना की सड़कों पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए सिवान की ये जनता पहुंची है अवध बिहारी चौधरी की अगुवाई में और बड़ी संख्या में राजद के बैनर पोस्टर लेकर जिंदाबाद के जो नारे हैं वो राजधानी पटना में लग रहा है। लंबे वक्त के बाद इतनी बड़ी संख्या में देखा जा सकता है कि जो रैली है वो की जा रही है। अब तक कई रैलियां की गई लेकिन एनडीए के पाला बदलने, जब मुख्यमंत्री एनडीए से बाहर निकले और वापस, माफ कीजिएगा, जब महागठबंधन से बाहर निकले और एनडीए में गए, उसके बाद इतनी बड़ी संख्या निश्चित तौर पर बताती है कि बिहार में जो बयार है वो दिख रहे हैं। और युवा जब सड़क पर उतरे हैं, अगुवाई कर रहे अवध बिहारी चौधरी और सिवान की जनता कह रही है कि बदलाव होगा। विश्वास यात्रा जो तेजस्वी ने किया उसके बाद अब इस जन विश्वास महारैली में समर्थक बढ़ चढ़ कर पहुँचे हैं पटना और ये आवाज़ दूर तक जाएगी और बदलाव की ये आवाज़ निश्चित तौर पर बिहार को बदलेगा। अवध बिहारी कह रहे हैं कि जो दौर लालू प्रसाद यादव के समय था राष्ट्रीय जनता दल का, वो दौर लौट आया है और एक बार फिर आरजेडी के साथ जनता चलने के लिए तैयार है। महागठबंधन पर पूरा भरोसा बिहार के लोगों को है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी, पूर्णिया में
ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।